यार एक तो ये रंग इतना सुंदर है ना, इसको कौन सा रंग, ये किस रंग में कहा जाएगा? ठीक, ये लेवेंडर तो नहीं है। अरे नहीं, लेवेंडर भी है थोड़ा सा, वो भी है, इसीलिए मैंने कहा बताइए देवी। अरे लाइलैक। बाप रे, और क्या कह सकते हैं इसको? सॉफ्ट पिंक, सॉफ्ट पिंक। नहीं, दिस इज नॉट बेबी पिंक यंग मैन। हैं, तुम्हारे नंबर कट गए गुरु। आज जब तुम डेट पे जाओगे शूट के बाद, तो बेबी, तुमने इसको बेबी पिंक कहा, पर बहुत खूबसूरत ये रंग है। तो इसको आप यूज भी करके देख सकते हैं। देखिए कि हेट्रेड फॉर वेज बिरयानी इन दिस एरिया। हम अरे नहीं, साहब हेट्रेड नहीं है। नहीं, ऐसे थोड़ा हेट्रेड नहीं है। हेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, हाँ, और नफरत करने में बड़ी ताकत लगती है, और आदमी निचोड़ जाता है प्यार में भी। पर प्यार का निचोड़ना वैसा है कि आदमी खाली होके भी भरा होता है और भरा होके भी खाली। हेट में ऐसा नहीं है। तो मैं हेट नहीं करता हूँ, नापसंद करता हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर उजला रंग है ये मेरा फेवरेट है। है उजला, भगवा, संतरी, नारंगी, जो भी कहें, ऑरेंज। वाह क्या बढ़िया यार, नागपुर में ऑरेंज मिठाई मिलती है, संतरा बर्फी। खैर भोजन की नहीं, सिनेमा की बात करनी है। भोजन पे भी आएंगे हम, सिनेमा से चालू करते हैं सर। जी मैंने अभी आपका नाना पाटेकर सर के साथ इंटरव्यू देखा, जहाँ पे राजदीप सरदेसाई ने एक बात बोली कि सौरभ जी को एक्चुअली तो फिल्मों का शौक है और ये बनेंगे फिल्म मेकर। ये सौरभ अब फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक दिन बनना चाहता है, ये असलियत है। ये तो टेम्पररी उसका है कि एडिटर बन जाओ। कब आ रही है सर आपकी गैंग्स ऑफ वासेपुर, अब ये बताइए। राजदीप जी का फुल टाइम पेशा है भविष्यवाणियां करने का, पार्ट टाइम जर्नलिज्म है, तो इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं।